आप देख सकते कितने ज्यादा लोग भाग रहे हैं भाई, क्योंकि टाइमिंग ऐसी हो गई है, बहुत ही लोग रह गए यार। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ वंदे भारत को स्पेशल परमिशन है रामगंगा ब्रिज पर तेज निकालने की, बाकी किसी ट्रेन को परमिशन नहीं है। और ये है अपना इंटीरियर आरसीएफ मेमू का, काफी ज्यादा बढ़िया है। सो गाइस आज जो अपनी पहली यात्रा है वो होने वाली है इस आरसीएफ मेमू ट्रेन में। अब ये जो इंट्रो है वो मुझे पीपल्स आना में आगे शूट करना पड़ रहा है, क्योंकि हम जब निकले थोड़ा सा लेट हो गए। हेलो, बिल्कुल ऑन टाइम डिपार्चर हुआ है दोस्तों। फिलहाल तो 4:31 हो गए, बिल्कुल 4:30 पे डिपार्चर हो गया था। तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक बात लगी कि भाई इस ट्रेन को अगर पकड़ना ना, देख सकते हो अभी भी कितने लोग आ रहे हैं, तो अभी हो सकता है अभी दोबारा रोक दी जाए, क्योंकि रिक्वेस्ट करेंगे लोग तो रोक दी जाएगी, मुझे पूरा यकीन है। आप देख सकते कितने ज्यादा लोग भाग रहे हैं भाई, क्योंकि टाइमिंग ऐसी हो गई है, बहुत ही लोग रह गए यार। रुकना चाहिए यार, इसको रोकना चाहिए, लोगों के पास बच्चे भी हैं छोटे छोटे, क्योंकि बड़ा ही टाइट शेड्यूल है भाई इस ट्रेन का, सच में बहुत मुश्किल है इसको पकड़ने में। सो गाइस फाइनली लोगों की सुनी गई है यहाँ पर, और देख सकते हो कितने ज्यादा लोग आ रहे हैं भागते हुए, तो फाइनली ये सब बोर्ड कर लेंगे, काफी ज्यादा लोग हैं, पीछे तक लोग हैं। तो भाई ट्रेन की टाइमिंग ही कुछ ऐसी, और आज फिर संडे भी है, इसलिए मोस्टली लोगों ने प्रिफर किया है कि रामनगर घूमने जाया जाए। तो फाइनली 4:36 पर अब जाकर निकल चुके हैं हम, अब किसी को भी नहीं बैठाला जाएगा। देखिए एक आंटी जी ने जबरदस्ती बैठाला जा रहा भाई, ओबे ये बहुत ज्यादा रिस्की काम, पता नहीं लोग क्यों करते हैं। टाइम से आना चाहिए, जैसे हम आ गए थे थोड़ा ही लेट थे हम भी, लेकिन इतना भी लेट ना थे, टाइम से पहले ही थे। तो फाइनली अब टाइम आ चुका है मुरादाबाद को बाय बाय करने का, मुरादाबाद जंक्शन। और ये है अपना इंटीरियर आरसीएफ मेमू का, काफी ज्यादा बढ़िया है। सप्त क्रांति 12557। और इधर हम फाइनली बन चुके हैं, अब देखते हैं हमारी ट्रेन कितनी स्पीड में निकलती है। तो अब देखते हैं, एक्सेलरेशन चेक करते हैं अपना मेमू ट्रेन का, अभी सिग्नल उस दिख जाए एक बार लोको पायलट साहब को, फिर देखते हैं ये कितनी निकलती है रामगंगा ब्रिज पर, क्योंकि वंदे भारत ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया था 100 पे निकलकर, अब इसको चेक और करते हैं। अब फिलहाल अभी हम 70 की स्पीड पर हैं दोस्तों, तो थोड़ा सा स्लो डाउन किया है ब्रिज की वजह से, ये देख सकते हैं आप कटघर, अभी हम क्रॉस कर रहे हैं कटघर स्टेशन को 60 की स्पीड पर। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ वंदे भारत को स्पेशल परमिशन है रामगंगा ब्रिज पर तेज निकालने की, बाकी किसी ट्रेन को परमिशन नहीं है, और रामगंगा ब्रिज आने वाला है बस। सत्तर चल रही है यार, बताओ लगी नरिया 70 है। अब यहाँ से हमें इसलिए स्लो होना पड़ा क्योंकि हम मुड़ेंगे ना लेफ्ट साइड में, तो हमारा रूट अलग होगा, और वहां है कॉशन लगा हुआ, जिस वजह से स्लो डाउन करना पड़ा। तो ये है कटघर राइट बैंक, जिस पर आपने देखा होगा काफी बार ट्रेन को रुकते हुए, लेकिन यहाँ पर अपनी ट्रेन नहीं रुकेगी, देख सकते हैं आप। और इधर है कोई WAP 4 लोकोमोटिव के साथ में WAP 5,
लेकिन दिखेगा नहीं आपको ज्यादा खास। तो फाइनली अब हमारा जो रूट है वो अलग हो रहा है। आप ही जो राइट में ट्रैक देख रहे हैं ना, ये है मुरादाबाद लखनऊ मेन लाइन, और अभी हम लेफ्ट में टर्न कर रहे हैं और हम एंटर भी कर जाएंगे नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में। अभी तक हमारी ट्रेन थी एनआर में, यानी कि नॉर्दर्न रेलवे में, और अब हम यहाँ से टर्न कर चुके हैं, बस अब हम एंटर भी कर चुके हैं नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में, क्योंकि जो नेक्स्ट स्टॉप है, मतलब स्टॉप नहीं है, रुकेगी नहीं हमारी ट्रेन वहाँ, वो हमारा एनईआर में आता है गोट रेलवे स्टेशन। टाइम टू स्किप गोट रेलवे स्टेशन। तो ये है गोट रेलवे स्टेशन, एक बहुत छोटा सा रेलवे स्टेशन जहाँ हमारा स्टॉप नहीं है, कुछ भी नहीं दिख रहा अंधेरा इतना है, इतना छोटा स्टेशन है, और इसकी ये बिल्डिंग खंडर वाली जो ना दिख पाई होगी। तो अपने एमपीएस पर पहुंची हुई ट्रेन, क्योंकि इस सेक्शन का एमपीएस ही इतना है। तो 4:56 पर रुक चुके हैं, बेसिकली 4:55 पर ही आ गए थे हम, तो अब यहाँ पर हम टोटल 7 मिनट रुकने वाले हैं। सो गाइज, आज जो अपनी पहली यात्रा है वो होने वाली है इस आरसीएफ मेमू ट्रेन में। काफी ज्यादा बढ़िया इसका एक्सटीरियर है, आप देख सकते हैं कितनी मस्त लिवरी दी गई है, और पीछे की तरफ ही है हम, क्योंकि भाई जब तक पहुंचा मैं तो ट्रेन चलने को बिल्कुल ही तैयार थी, तो मैं पीछे ही बोर्ड कर लिया। तो वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज जो अपनी जर्नी है वो होने वाली है 05334 ट्रेन में। अब ये जो इंट्रो है वो मुझे पीपल्स थाना में आकर शूट करना पड़ रहा है, क्योंकि हम जब निकले थोड़ा सा लेट हो गए, और लेट होने की वजह से जब मैं स्टेशन पहुंचा तो 3 मिनट बचे थे, फिर मैं ट्रेन तक पहुंचे तो भाई टाइम हो चुका था, जिस वजह से पहले ट्रेन को बोर्ड किया, उसके बाद में जितना भी मेन डिपार्चर वगैरह था वो शूट किया, और फाइनली हम पीपल्स थाना बिफोर टाइम पहुंच गए। काफी अच्छी बात यह है कि भाई ट्रेन को रोक लिया गया 2-3 बार, काफी लोग रह गए थे उसके चलते, तो ये काफी ज्यादा बढ़िया बात है कि पैसेंजर ट्रेन में ये काफी सही रहता है कि लोगों का जो ध्यान है वो रखा जाता है। ऐसा नहीं होता कि अगर आप छूट गए तो रिक्वेस्ट करोगे तो आपको बिठा लिया जाएगा, ऐसा रहता है, काफी बार मैंने देखा है। खैर, पीपल्स आना जो कि भोजपुर के नाम से ये फेमस है, यानी कि अगर आपको भोजपुर आना हो, भोजपुर वाला मेला काफी ज्यादा फेमस है, तो आपको यही रेलवे स्टेशन पर डिबोर्ड करना पड़ेगा। तो बस थोड़ी देर में निकलने वाले, देख सकते हैं आप यहाँ पर, तो काफी ज्यादा बढ़िया, एकदम मस्त व्यू हो रहा है, वेदर काफी ज्यादा बढ़िया है, एकदम ठंडी ठंडी सी लग रही है, हल्की हल्की, और चलते हैं, पूरा आपको मैं दिखा दूंगा कैसे आप पहुंच सकते हैं। तो बिल्कुल ऑन टाइम अपना जो डिपार्चर है वो तो हो चुका है, तो ये काफी ज्यादा बड़ी बात है कि भाई टाइमिंग को इतना अच्छे से फॉलो किया जा रहा है, वही पैसेंजर ट्रेन होते हुए भी, तो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। बोर्ड पे से तो नाम ही गायब है, दोनों तरफ नहीं था, यानी कि लिखा जाएगा, और ये काफी ज्यादा भीड़ यहाँ पर भी। तो बिल्कुल ऑन टाइम हमारा अराइवल हो चुका है रोशनपुर रेलवे स्टेशन पर। तो बिल्कुल ऑन टाइम अपना डिपार्चर हो चुका है 5:13 पर। तो अगर आपको इस ट्रेन को बोर्ड करना है तो भाई टाइमिंग का बिल्कुल ध्यान रखना। तो यह है रोशनपुर रेलवे स्टेशन, काफी लोग चढ़े थे यहाँ से भी, ऐसा नहीं कि नहीं लगे थे। तो
5:23 का टाइम था, बिल्कुल ऑन टाइम हमारा अराइवल हुआ है और ऑन टाइम ही हो जाएगा, बिल्कुल कंफर्म बात है। और काफी ज्यादा भीड़ यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रही है। तो 5:25 बिल्कुल ऑन टाइम अपना डिपार्चर अलीगंज रेलवे स्टेशन से होता हुआ। तो फाइनली अभी हम पहुंच रहे हैं काशीपुर जंक्शन पर। अब जंक्शन क्यों है वो मैं आपको दिखा देता हूं। और सुबह का टाइम हो चुका है, थोड़ा थोड़ा धूप तो नहीं निकलेगी लेकिन हाँ दिन सा हो जाएगा थोड़ी देर में। तो ये फाटक क्रॉस करने के बाद में अब हम पहुंच रहे हैं फाइनली काशीपुर जंक्शन पर। अब आज से 4 साल पहले मैंने इस रूट पर जर्नी की थी, तब यहाँ सेमाफोर सिग्नल थे और इलेक्ट्रिफिकेशन नाम की कोई चीज नहीं थी। और आज आप देख सकते हो काशीपुर बिल्कुल ही डिफरेंट हो चुका है भाई, चारों तरफ इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, OHE वायर्स देखने को मिल रहे हैं और काशीपुर काफी लोग उतर रहे हैं इस ट्रेन से, ये भी एक अलग बात लगी थोड़ी। तो काशीपुर जंक्शन है क्यों है, क्योंकि एक ट्रैक यहाँ से अपना जिससे हम आ रहे हैं मुरादाबाद वाला वो है, आगे रामनगर चला जाएगा और एक ट्रैक यहाँ से निकल जाता है लाल कुआ की तरफ जिस पर भी मैंने जर्नी की हुई है। तो जो सामने वाला ट्रैक आप देख रहे हो ना उधर, बस यही वाला जो ट्रैक है ना ये आ रहा है लाल कुआ जंक्शन से, ये जो सामने वाले ट्रैक्स हैं और इन पर भी मैंने जर्नी की हुई है, मैंने वीडियो अपलोड की हुई है आप देख सकते हो। तो फाइनली अभी हमारा अराइवल हो रहा है काशीपुर जंक्शन पर और देख सकते हो भाई बिल्कुल ही व्यू ही बदल गया है। बहुत पहले आया था मैं, 4 साल पहले तो आया था रामनगर वाली जर्नी में और उसके बाद में आया था मैं जब मैंने जर्नी की थी एक आपको दिखाया था लाल गुआ वाली। सो गाइस 5:50 का टाइम था, 5:36 पर आ चुके हैं तो लगभग 15 मिनट बिफोर आ चुके हैं और 5 मिनट का स्टॉप है तो 20 मिनट अब हम यहाँ रुकने वाले हैं। तो गाइस फाइनली अपना जो अराइवल है वो हो चुका है काशीपुर रेलवे स्टेशन पर, स्टेशन कोड KPV और यहाँ पर टोटल 3 प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाते हैं, करंटली 6 ट्रेनें ऑरिजिनेट टर्मिनेट भी हो रही हैं। अब ये जंक्शन जो है वो मैंने आपको दिखाई दिया है, हालांकि अभी एक ट्रेन यहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 3 से निकलने वाली है जो कि हमारी काशीपुर कासगंज एक्सप्रेस ट्रेन, और हमने इसमें ही ट्रेवल किया था लेकिन हमने शायद बरेली तक ट्रेवल किया था बहुत पहले जब मोहित भाई भी मेरे साथ में थे, तो बिल्कुल एकदम से याद ताजी हो गई भाई। कोविड के बाद में हमने वो ट्रेवल किया था और बिल्कुल कंफर्म है बरेली तक किया था, फिर बरेली के बाद में हमने पूर्णागिरी जन शताब्दी पकड़ी थी। तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है भाई जब एकदम से अपने पुराने जो कुछ मेमोरीज हैं वो रिकॉल कर पाते हैं हम। तो कोई आपकी मेमोरी हो काशीपुर से जुड़ी तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी अपनी ट्रेन यहाँ पर जल्दी आ गई है तो हमें काफी देर तक यहाँ रुकना पड़ेगा, तो खैर अब देखते हैं भाई कितनी देर में हम पहुंच जाएंगे, मतलब मुझे पूरा यकीन है कम से कम 10 से 15 मिनट बिफोर हम पहुंचने वाले हैं। और ये जो ट्रेन है ना ये ट्रेन काफी ज्यादा बढ़िया है, बस यही है कि टाइमिंग थोड़ी सी ऐसा लगेगा आपको कि बहुत जल्दी है लेकिन ओवरऑल एक काफी बैलेंस ट्रेन में यही बोलूंगा, और कितनी देर में निकलते हैं वो मैं आपको दिखाई दूंगा। बाकी अगर आप मुरादाबाद से कासगंज जाना चाहते हो तो आपके पास एक ऑप्शन ये भी है कि सुबह 4:30 बजे इस ट्रेन को पकड़ो और यहाँ काशीपुर पर डिबोर्ड करो और डिबोर्ड करने के बाद में यहाँ से आप कासगंज वाली जो ट्रेन है वो पकड़ सकते हो। तो इस तरीके से आप एक लूप जर्नी कर सकते हो, हालांकि उससे आपको बहुत ज्यादा समय खर्च होगा और हो सकता है आपको दिमाग भी खराब हो जाए क्योंकि टाइम इतना ज्यादा लगेगा, बट ऐसा कर सकते हो क्योंकि उसका जो डिपार्चर है वो है 5:50 पर और अपनी ट्रेन का है 5:55 पर डिपार्चर, और ट्रेन यहाँ पर हमेशा ही बिफोर आ जाती है क्योंकि कोई ट्रेन है ही नहीं इसके रास्ते में, इसलिए हमेशा बिफोर ही आपको मिल जाएगी। बस कभी कभी हो सकता है कि थोड़ा बहुत 19:20 हो जाए, लेकिन हाँ इसका ट्रेन का डिपार्चर मतलब इसका अराइवल होता है और उसका डिपार्चर कुछ इस तरीके से इन्होंने टाइमिंग सेट की हुई है, लेकिन इतना है कि अगर ये टाइम से आ रही है तो 1-2 मिनट उसको भी रोक देंगे अगर ऐसा रहता है कि आप उससे उसके बाद में उसको बोर्ड कर पाओगे। तो ये एक चीज है जो आप प्रीफर कर सकते हो, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इतना लंबा सफर आप कैसे करोगे पहले इधर फिर उधर, मतलब पूरा एकदम ऐसा लगेगा आपको कि आपने घूम लिया। फाइनली दोस्तों ये जो ट्रेन है ना निकल चुकी है, तो बिल्कुल टाइम से निकल चुकी है, काफी ज्यादा
पंक्चुअलिटी हमें देखने को मिल रही है। और ये है अपना काशीपुर का व्यू, दिन हो चुका है। तो बिल्कुल ऑन टाइम 5:55 पर अपना डिपार्चर हो चुका है काशीपुर जंक्शन से। तो सामने आपको काशीपुर रोडवेज भी देखने को मिल जाएगा, तो स्टेशन के काफी नजदीक है, काफी बढ़िया बात है। भाई साहब प्लेटफॉर्म तो इतना नीचे है, बिल्कुल जमीन में घुसा हुआ है प्लेटफॉर्म, ट्रैक भी ऊंचे हैं प्लेटफॉर्म से। तो यहाँ पर आर्मी पब्लिक स्कूल भी देखने को मिल जाएगा गौशाला रेलवे स्टेशन के बिल्कुल जस्ट बगल से, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट था। तो एक हॉल्ट रेलवे स्टेशन है क्योंकि यहाँ पर कोई भी लूप लाइन नहीं है, और इसलिए हम मेन लाइन पर हैं, तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन कर एकदम जबरदस्त मिलेगा, शानदार। तो बस अब इसके बाद में अपना जो अगला स्टॉप है वो अपना डेस्टिनेशन वाला है। तो सनराइज भी हो चुका है, तो 6:25 पर अपने पहुंच चुके हैं रामनगर। बाकी दोस्तों बात करें इस मेमो के बारे में, तो इस मेमो में यह अलग है कि इसमें आपको सीसीटीवी कैमरा भी मिल जाते हैं, तो ये काफी बढ़िया बात है सेफ्टी के लिहाज से देखा जाए तो काफी बढ़िया है। और बाकी ये इन्फॉर्मेशन स्क्रीन है जिसपे कुछ नहीं आ रहा, यानी कि अभी रूट फीड नहीं किए गए इसमें, जिसने कुछ नहीं आ रहा। और बाकी चार्जिंग वगैरह के सॉकेट आपको मिल जाएंगे यहाँ पर इस तरीके से, तो ये भी काफी बढ़िया बात है। और जितनी भी विंडोज है उन पर इस तरीके से जाली लगी हुई है सेफ्टी को देखते हुए, तो ये भी एक काफी बढ़िया काम किया गया है। बस ये कि कोचेस थोड़े कम कर दिए गए हैं, और ये आप पूरा इसका इंटीरियर देख सकते हो। तो फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन और ट्रेन की डेस्टिनेशन रामनगर रेलवे स्टेशन पर। तो ये जो जर्नी है वो यहीं पर ही खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। ट्रेन बिफोर टाइम आ गई, 6:40 का टाइम था और ट्रेन 6:25 पर ही आ गई। बाकी अगर आप इस ट्रेन से आना चाहते हो तो काफी ज्यादा बढ़िया ट्रेन है, प्रीफर कर सकते हो, कभी भी आपको ये निराश नहीं करेगी। बस ये है कि सुबह थोड़ी जल्दी उठना पड़ेगा और जल्दी उठकर जल्दी ही ट्रेन को बोर्ड करना पड़ेगा। बाकी एक बार आपको दिखा देता हूँ ट्रेन को, तो भाई काफी ज्यादा एकदम शानदार लग पा रही है ट्रेन, मतलब इंटीरियर तो है ही बढ़िया, जिस तरीके से इसको यूज किया जा रहा है, मतलब आप जानते हैं शॉर्ट डिस्टेंस के लिए काफी ज्यादा बढ़िया ट्रेन रहती है जो मेमो ट्रेन होती है, तो उस हिसाब से इसका इंटीरियर काफी ज्यादा बढ़िया है। और साथ साथ जो एक्सटीरियर है जिसकी लिवरी है वो भी काफी ज्यादा बढ़िया बनाई गई है। तो इस जर्नी को यहीं तक ही रखते हैं, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस मेमो ट्रेन में। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट जर्नी में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। तो ये है इसका एग्जिट जहां से आपको मिल जाएंगे ऑटो वगैरह।
और आपको यहाँ से गिरजा देवी मंदिर के लिए जो ऑटो है वो मिल जाएगा, जिसके लिए आपको 40 रुपए पर पर्सन देना होगा। और सामने ही आपको टिकट काउंटर भी मिल जाएगा, जहाँ से आप अपना रिजर्व और अनरिजर्व टिकट दे सकते हो। बाकी रामनगर पर भी जो रीडेवलपमेंट का काम है वो चल रहा है, कुछ समय बाद यहाँ पर आपको और सुविधाएं भी मिल जाएंगी।